नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर उत्तराखंड से है, जहां सीएम बनते ही तीरथ सिंह रावत एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिसमें हरिद्वार कुंभ मेला को लेकर कई बड़े फैसले शामिल है। कल मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में चार धाम यात्रा की तैयारियों की बैठक लेते हुए अधिकारियों को अवगत करवाया कि ये निर्देश दिए कि चार धाम यात्रा के दृष्टिगत 30 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। कार्यों के प्रति किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर शीघ्र अवगत करवाया जाए, वहीं समस्याओं का उचित समाधान निकाला जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के चार धाम व देश एवं दुनिया की आस्था का प्रमुख केंद्र है। चार धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले सड़कों के सुधारीकरण का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। 31 मार्च तक तोता घाटी में सड़क सुधारीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। यात्रा मार्गों एवं के आसपास के क्षेत्रों में सड़क से संबंधित कार्य ससमय पूर्ण कर लिए जाएं। यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्रा मार्गों पर पेयजल, स्वच्छता, साइनेज एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था हो। यात्रा मार्गों पर वाटर एटीएम की व्यवस्था के लिए जल्द कार्य योजना बनाई जाए। यात्रा मार्गों पर पानी के टैंकर भी पर्याप्त व्यवस्था में हो। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से मिले, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था सुचारू रखी जाए। वहीं टिकट वितरण में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए। यात्रा के दौरान हेली एम्बुलेंस सेवा एवं 108 एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था हो। केदारनाथ एवं यमुनोत्री में ईजीसी एवं कार्डियोलॉजिस्ट की समय पर तैनाती की भी व्यवस्था की जाए। ऑक्सीजन आईसीयू एवं वेंटिलेटर की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। हेमकुंड में भी स्ट्रीट लाइट की उचित व्यवस्था हो, इसके लिए जल्द तैयारी की जाए। यात्रा सीजन में पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की जाए। वहीं यात्रा मार्गों पर जो भी वाहन भेजे जाएंगे, उनका फिटनेस टेस्ट जरूर किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा के दौरान वाहनों एवं यात्रा मार्गों पर होटल में रेट लिस्ट जरूरी लगी हो। वहीं ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं आपदा से संबंधित संवेदनशील स्थानों पर संसाधनों की पूर्ण व्यवस्था हो। आपदा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जाए। यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने सभी सचिवों को निर्देश दिए कि विभागीय कार्य प्रकृति की प्रत्येक दूसरे सप्ताह में समीक्षा की जाए। समय समय पर मुख्यमंत्री कार्यों की प्रगति समीक्षा करेंगे। बैठक में मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, अपर प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, जीडीपी श्री अशोक कुमार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री दिलीप जावलकर, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, श्री पंकज पांडे, कमिश्नर गढ़वाल श्री रविनाथ रमन, डीआईजी गढ़वाल श्रीमती नीरू गर्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल मंडल के सभी जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।